सो वेलकम बैक. दिस इज द 25th ट्यूटोरियल. तो 25th ट्यूटोरियल में हम बताएंगे आपको एक मजेदार लॉजिक होवरिंग का. होवर सबसे मजेदार सेटिंग है जो स्टार्टिंग में हम सिखाते हैं CSS में. काफी मजेदार सेटिंग है. रिमूव ऑल द कंटेंट और अब ये भी रिमूव कर दिया. अब हम बताएंगे आप क्लास के साथ काम कैसे करना है. सबसे पहले एक इमेज ले लो. चलो इमेज के चलो इमेज ही ले लो अभी. तो होवरिंग में इमेजेस का मजा आता है. पिक वन डॉट जेपीजी और इसको क्लास दे दी टेस्ट. सो डॉट टेस्ट जो क्लास है अभी पहले देख लो इमेज अवेलेबल होगी. यहाँ चाहिए द इमेज इज अवेलेबल. तो इमेज पे हम सेटिंग लगाएंगे. सबसे पहले विड्थ और हाइट दे दी 180 पिक्सल्स. थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस लगा देंगे. थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेटिंग लगाते रहते हैं हम ताकि आपको नई नई सेटिंग भी पहले ही पता चलता है, बाद में प्रॉब्लम ना आए. और अब होवर करेंगे. होवर का मतलब माउस पॉइंटर का जब मूवमेंट होती है किसी क्लास पे. डॉट टेस्ट होवर. और अब दिखाते क्या होता है. पहले हमने लगाया टेस्ट की विड्थ कितनी 300 है, हाइट 180 और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस है. रेडियस का मतलब ये कर्व, जो कर्व है इसको रेडियस बोलते हैं. तो बॉर्डर रेडियस हमारा 20 पिक्सल होता है. अब टेस्ट क्लास में मैंने क्या लगाया, होवर की ऑप्शन दे दी, होवर प्रॉपर्टी यूज की. और होवर का मतलब होता है जब माउस पॉइंटर किसी चीज पे जाता तो फिर क्या होगा. पहली चीज क्या हुई, उसकी विड्थ होगी 400. पहले कितनी 300, अब कितने कहते 400 और हाइट 180 से 250 और बॉर्डर 20 से 0. और इसका फर्क क्या पड़ा, इसको रन कर लो. ये देखो जैसे माउस पॉइंटर इमेज के ऊपर जाता है तो ये क्या हो गया, एक तो बॉर्डर रेडियस फ्लैट, देयर इज नो बॉर्डर रेडियस. दूसरा इसकी विड्थ और हाइट इंक्रीज होगी जैसे जूमिंग इफेक्ट आ रहा है. तो जूमिंग इफेक्ट किसके कारण है, सिर्फ एक छोटी सी सेटिंग होवर के कारण. तो क्लास पे होवर लगा दिया. आप एलिमेंट पे भी होवर लगा सकते हो. अगर एलिमेंट पे लगाना, इसी के साथ लॉजिक दिखा देंगे. जैसे यहाँ पे मैंने इमेज लगा दी आईएमजी और आईएमजी पे ही होवर लगा दिया तो आप एलिमेंट पे भी होवर कर सकते हो. रिजल्ट सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा. तो ये एलिमेंट पे भी लगा सकते हो, क्लास पे भी लगा सकते हो. और इसी के साथ आपको एक लॉजिक यूज करना मैं सिखाता है, एक मजेदार हिडन गैलरी बनाना सिखाता है, हिडन इमेज गैलरी. तो हिडन इमेज गैलरी क्या होती है, वैसे तो लॉजिक यूज करने के लिए बहुत सारे सिस्टम है बट आपको मजेदार चीज सिखा रहे हैं इसीलिए ताकि आपको इसमें मजा भी है. ये सिर्फ सेटिंग थोड़ा होती है, थोड़ी इंजॉयमेंट भी है. तो क्रिएटिविटी के साथ आप जो मर्जी कर सकते हो. सबसे पहले किया क्या, हमने कुछ मल्टीपल इमेजेस ले ली यहाँ पे. तो काफी सारी इमेजेस कॉपी कर ली मैंने. सेम इमेज कॉपी की आप अलग अलग कर सकते हो. और सेटिंग लगा दी ऑलरेडी जो लगी हुई है उसको ही रहने दिया. और मार्जिन कर दिया 20 पिक्सल का, थोड़ी सी साइड कर दी और ये उड़ा दो. तो जो हुआ वो देखो क्या हुआ. पहले तो मल्टीपल इमेजेस हमारे पास आ गए. अब मैं चाहता हूँ ये सारे इमेजेस गायब हो जाए, मेरे को ये चाहिए नहीं सामने. हिडन का मतलब तो गायब होता है, तो हाइड कर देता है इसको. तो हाइड करना कैसे है, उसके लिए एक सेटिंग यूज करेंगे, ओपेसिटी. ओपेसिटी जीरो, सॉरी दिस इज नॉट पिक्सल, तो सिर्फ जीरो. ओपेसिटी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल दिखा देता हूँ. जैसे मैंने किया वन इज फुल अवेलेबल एंड लेट्स से 0.5 लिखा. तो अभी आप देख सकते हो क्या होगा, ये थोड़ी सी डल होगी. एक्चुअली ट्रांसपेरेंट हो रही है, लाइट हो जाएगी. अगर मैंने यहाँ पे 2 कर दिया तो और ट्रांसपेरेंट हो जाएगी. तो ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है. और अगर मैंने 0 कर दिया तो ये हाइड ही हो जाएगी, जैसे है ही नहीं यहाँ पे. 1 का मतलब फुल विजिबल और 0 का मतलब हिडन, नो विजिबिलिटी. तो जैसे मैंने पहले बोला हिडन गैलरी कैसे बनाएंगे, तो हिडन गैलरी पर इमेज एलिमेंट पे मैंने सेटिंग्स लगा दी और लास्ट पे सेटिंग लगा दी ओपेसिटी 0, मतलब हाइड कर दी. बट अगर अब होवर करेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर हम विजिबिलिटी कर देंगे फुल. बाय डिफॉल्ट जब लोड होगा पेज तो देर इज नो इमेज शोन, कोई भी इमेज शो नहीं हो रही. बट जैसे ही आप इमेज पे होवर करोगे तो आप देखोगे कि ये सेटिंग अप्लाई हो गई. लो जी, जैसे जैसे मेरा माउस पॉइंटर किसी भी इमेज पे जा रहा है
वहां पे इमेज अवेलेबल होगी। देखने को बंदा सोचेगा यार ये क्या हो रहा है, ये जैसे जैसे पॉइंटर जा रहा है तो वहां पे इमेज अवेलेबल हो गई है, तो ये हो कुछ नहीं, इमेजेस वहां पर ही हैं, बस अवेलेबिलिटी या शो तब हो रही है जब माउस पॉइंटर होवर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप सीएसएस को इनोवेटिवली और क्रिएटिवली यूज कर सकते हो। तो क्रिएटिविटी अपनी दिखाओ और लॉजिक बनाओ। ठीक है जी, बाय।